लोग कहते हैं कि रिश्तों पर अगर धूल पड़ी है तो उसे रहने देना चाहिए, उसे नहीं मिटाना चाहिए। अर्थात अगर आपके रिश्तों में दरार पड़ी है, आपके रिश्तों में गांठें पड़ी है, तो आपको सुलझाना नहीं चाहिए, आपको बातें नहीं करनी चाहिए। क्या ही सही है? नहीं है ना? अगर आपके रिश्ते में गांठें पड़ी है, धूल पड़ी है ना, तो उसको समय समय पर उस धूल को ना साफ कर देना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे घर में डस्ट है, धूल है, तो क्या हम उसे वैसे ही रहने देते हैं, उसे साफ नहीं करते हैं? जब समय मिलता है तो करते हैं ना, करते हैं ना। ठीक वैसे ही अगर रिश्तों में थोड़ी सी भी अगर धूल पड़ गई है ना, तो उसे समय समय पर उस धूल को हटाते रहना चाहिए। हाँ, मानते हैं कि जो धूल जम गई है उसे जल्दी से जल्दी नहीं मिटाया जा सकता, नहीं हटा सकता, चाहे आप उसे कैसे भी चमकाओ, है ना। पर अगर आप कोशिश भी ना करो और बिना कोशिश के ही आप हार मान लो तो अच्छी बात नहीं है ना। क्योंकि अगर मान लो किसी टेबल पर या किसी चीज़ पर धूल पड़ी है, तो हम उसे कोशिश तो करते हैं ना ताकि उस टेबल को अच्छे से चमका दे, अच्छे से साफ क्लीन कर ले, है ना। नहीं करते हैं ना। या फर्श पर भी कोई ऐसी गंदगी पड़ी होती है तो हम उसे साफ तो करते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन समय लगता है, पर सफाई तो हम रोज थोड़ी थोड़ी करते हैं। क्योंकि अगर एक बार में सोचोगे कि आप क्लीनिंग कर लो तो होगा? नहीं होगा ना। उससे क्या होगा, आप थक जाओगे और आपको फिर हिचकिचन होगी, थकावट होगी, टेंशन होगा कि यार सारा समय भी लग गया और हमारा काम नहीं हुआ। तो रिश्तों में भी ना ऐसे ही होती है। अगर रिश्तों में भी अगर आप समय समय पर जो धूल पड़ी हुई है अगर आप उसे साफ नहीं करते हैं तो धूल जम जाएगा। और हाँ, एक ही इंसान के करने से होगा ऐसा भी नहीं है, घर में सभी लोग हैं, वो अगर सफाई सब लोग अगर मिलकर करें थोड़े थोड़े समय समय पर तो और अच्छे से सफाई होगी। ठीक वैसे ही अगर परिवार में अगर मतभेद है, मनभेद है, मनमुटाव है, तो दोनों को मिलकर ना उस जो मनमुटाव है उसको दूर करना चाहिए, ना कि उस पे धूल पे धूल, धूल पे धूल और जमने देना चाहिए। तो ये काम एक तरफा नहीं हो सकता है, ये काम के लिए दोनों तरफ मन में प्यार और विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि एक तो कोशिश कर रहा है और दूसरा कोशिश भी नहीं कर रहा है, तो वो कोशिश सफल नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में थोड़ी सी भी गुंजाइश है कि हाँ हमारा रिश्ता सही हो सकता है, तो आप समय रहते आप थोड़ी थोड़ी ही उस धूल को साफ करने की कोशिश करिए। ठीक है, शायद हो सकता है उस परमात्मा के विश्वास से, या अगर आपको उस परमात्मा विश्वास है तो आप कोशिश जरूर करिए, हो सकता है आपका रिश्ता शायद सही हो जाए। पर हाँ, कोशिश जरूर करते रहना चाहिए। ठीक है, तो यही कहना था, छोटी सी बात। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, यदि आपके भी आसपास या आपके घरों में मनभेद है, मतभेद है, रिश्तों पे धूल पड़ गई है, तो उसे समय रहते थोड़े थोड़े ही समय समय पर सफाई करते रहेंगे, इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। पर हाँ, दोनों तरफ कोशिश भी होनी चाहिए, एक तरफा नहीं। क्योंकि एक तरफा तो रोटी भी नहीं सिक जाती, रोटी भी कच्ची रह जाती है। रोटी खाने में तभी मजा आता है जब दोनों तरफ से सेकी गई है। तो रिश्तों में भी ऐसा ही होता है, रिश्ते भी अगर दोनों तरफ से अगर चले तो ज्यादा समय तक चलता है और बहुत ही मजबूत के साथ रहता है, उसे तब कोई भी नहीं तोड़ पाता है। तो ये कहना था। जय माता दी।